हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि प्रियंका रेडी हो रही है। दिखाता हूँ मैं उसको कितना समय लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस कैसे हो आप लोग? वैसे आज हम बहुत ही घाई घाई में रेडी हो रहे हैं और हमें एक्चुअली जाना है कहीं। सूरत जा रहे हैं हम और लाइट में आज लाइट में तो हम जा रहे हैं सूरत। अरे ऐसा लाइट नहीं। सो गाइज एक्चुअली सूरत जाने में हमारी 1 बजे की ट्रेन है और ऑलरेडी ना 11:30 हो रहे हैं। उससे पहले हमें ना आज जैसे कि कन्या पूजन है तो हमारी जो बेटी है उसको एक इनविटेशन मिला हमारी रिलेटिव की तरफ से जहाँ पे हमें कन्या पूजन के लिए जाना है। सो हम उसके लिए भी लेट हैं तो हम फटाफट कर रहे हैं पैकिंग वैकिंग करके सब रेडी करके हम लोग सोचे और अभी ब्लॉग शुरू कर सकते हैं हम, क्योंकि सूरत जा रहे हैं तो एक ब्लॉग हो जाएगा काइंड ऑफ। सूरत जाने की वजह क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है? तब तक कि मैं रेडी भी हो जाती हूँ वरना हम यहीं के यहीं रह जाएंगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरी चाची का फ़ोन आ गया जिनके घर में जाना है अभी रूही को लेके फॉर कन्या पूजन और वहीं पे हमारा भोजन भी है ना। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. आरती पूजा जो कन्या पूजन होती है वो हो गई है। नाचो अभी हम खाना खाएंगे और संदीप इसको नचा रहे नाचो नाचो बोल बोल के। सो अभी हम खाना खाएंगे फटाफट और हम निकलेंगे क्योंकि हमें हो रहा है लेट, बहुत ही ज्यादा वाला लेट। तो चाची ने इधर मस्त वाला अब देख सकते हो हलवा बनाया है, मस्त आलू की सब्जी है, जो चने हैं काले वाले जो होते हैं कन्या पूजन में, और आमरस यमी यमी, और यहाँ पे ये है पूरी। तो अब हम ये सब खाएंगे और फिर जी वो कम मिला है मुझे, 2 प्लेट खा जाती हो। शीरा के साथ अत्याचार हो गया, उसको शीरा नहीं मिला। हमारी रूही नाच 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 माई रूही को नाचो नाचो बोलोगे तो शी विल स्टार्ट डांसिंग। नाच 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 नाच। तो चाची ने रूही को ग्लास दिया है गिफ्ट में और ये हेयरबैंड दिया है, तो इतनी खुश हो रही है। आप देखो उधर कितनी खुश हो रही है, वो ग्लास में एक्चुअली आवाज आ रही है तो वो ग्लास बजा बजा के खेल रही है। सो हम स्टेशन पहुंच गए हैं और हमने घर से निकल के व्लॉग नहीं किया क्योंकि हम चाची के घर से जैसे ही गए तो फटाफट हमने ऐसे बैग उठाया और निकले क्योंकि लेट हो जाता। वैसे यहाँ पे अभी ट्रेन आने के लिए 10 मिनट्स हैं और रूही तो सो गई कंगारू की तरह, बेबी कंगारू की तरह सो गई। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so. So guys, hum pahunch gaye hain Surat aur Sandeep aap dekh sakte ho bichare bag utha ke chal rahe hain. Maine Ruhi ko pakda hai isliye main bag nahi utha sakti filhal. और ट्रेन में मैं व्लॉग नहीं कर पाई ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था, तो वो मतलब नहीं था व्लॉग करना बात करना ट्रेन के अंदर। वैसे रूही मस्त सो भी गई, खेली भी, मज़े किए उसने ट्रेन में, फ्रेश हो गई। अब हम ना यहाँ पे बस से जाने का सोच रहे हैं क्योंकि रिक्शा इतना ज़्यादा चार्ज करता है, बिकॉज़ हमें गाँव में जाना है, जो संदीप का जो गाँव है हम वहाँ जा रहे हैं। सो इसके लिए हमने सोचा कि हम बस में जाएंगे, वो बेटर पड़ेगा, अदरवाइज रिक्शे वाले बहुत लूटते हैं यहाँ पे। सो बस सस्ती भी है और बट जिस
बस में हमें जाना है वो अब तक आई नहीं है, तो हमें रुकना पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी है यहाँ पे। हेलो गाइस, तो हम पहुँच गए हैं संदीप के गांव में, मतलब मेरे ससुराल में, और यहाँ पे ये संदीप रूही के साथ, और ये हमारा प्रेरित। प्रेरित हेलो, से हाय। अरे ये दोनों बिजी है, से हेलो, से हेलो, हाय, हाय, हेलो, हेलो, हेलो। प्रेरित प्रेरित देख रहा है, ये मेरे देवर देवरानी का लड़का है, और अभी ये दोनों बैठे हैं मिलजुल के, मस्ती कर रहे हैं। रूही इसकी चप्पलें खींच रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमें ट्रैवलिंग में हम इतना थक गए कि मेरा ना हेडेक भी चालू हो गया है। बस में हमें ऑलमोस्ट एक घंटा लगा फ्रॉम स्टेशन, और बहुत हालत हो गई क्योंकि गर्मी लग रही थी यार, बहुत गर्मी। अभी यहाँ गांव में पहुँच के थोड़ा अच्छा मौसम लग रहा है, ठंडा लग रहा है, अदरवाइज़ ट्रैवल के दौरान इट वॉज वेरी हॉट, वेरी हॉट। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सूरत क्यों आए, तो आपको संदीप बताएंगे कि हम सूरत ऐसे अर्जेंटली हमें क्यों आना पड़ा। करेंटली मेरे नाना एक्सपायर हो गए, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया, तो 12वां 13वां है नाना का, इसलिए हम लोग को सूरत आना पड़ा अर्जेंटली। हम एक्चुअली पहले संदीप आने वाले थे ट्रैप जब भी हमें ये न्यूज़ मिली थी, बट हमें वहाँ पे भी ऑलरेडी मुंबई में कुछ काम थे, तो जिसके दौरान हम नहीं आ पाए, इसलिए हमने सोचा कि चलो इस टाइम पे एटलीस्ट हम यहाँ पे अवेलेबल हों, तो इसके लिए हम आ गए। और एक चीज़ अच्छा हुआ कि हम पहले आके नाना से मिल के गए। हाँ, हम पहले भी सूरत आ चुके हैं, मैंने वो वाला ब्लॉग कभी मैंने शूट नहीं करा था, एक्चुअली मैं कर रही थी लेकिन इतने बिजी थे क्योंकि शादी के टाइम आए थे हम यहाँ पे, फर्स्ट टाइम रूही सूरत आई थी तभी, ये उसका सेकेंड टाइम है। बट अच्छा हुआ कि हमने रूही को उनसे मिलवा दिया, मतलब उनके पढ़ नाना उससे मिलवाया, और वीकली पिक्चर्स ऑल्सो अगर हो सके तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी डालने का। पिक्चर मेरे पास नहीं, मेरी मम्मी के पास है, तो मैं डालूँगी अगर मुझे मिले तो। वैसे हम यहाँ पे अभी ठीक है, हम गांव में हैं एक्चुअली, तो हम शायद कल जाएंगे वहाँ पे। इट वॉज नाइस इवेंट, वेरी पीसफुल है ना, इवेंट वेरी पीसफुली, ज़्यादा कुछ मतलब तकलीफ नहीं हुई उनको और ना ही उन्होंने कभी किसी को तकलीफ दी, सो इट वॉज़ वेरी नाइस, वो पीसफुली गए एंड वी जस्ट प्रे की हिज सोल रेस्ट इन पीस। बाकी आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। ये इसको ये चाहिए। सीना चप्पी चल रही है दोनों, सीना छीन रहे, देखो देखो देखो। वो बोले नो नो नो, प्रेरित बोला नो 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 नो। एक्चुअली अभी पहले तो हम लोग सब मतलब मुंबई में रहते थे, रितेश से मेरे देवर देवरानी मुंबई में रहते थे, तो तभी प्रेरित भी था। अभी एक्चुअली ऐसा हो गया, ये लोग सूरत शिफ्ट हो गए हैं ना, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब ये दोनों एक दूसरे से आई गेस सेकेंड टाइम मिल रहे हैं ना, सेकेंड टाइम मिल रहे हैं, बट वो भी कुछ दिन के लिए। बट एटलीस्ट होना चाहिए कि सिबलिंग्स आसपास होना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चे फिर कुछ सीखते हैं और एटलीस्ट वो खेलते रहते हैं, वरना मतलब कैसा लगता होगा। हमारे सिबलिंग्स हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे सिबलिंग्स हैं आस पास, पर ठीक है। अभी रूही एंड प्रेरित अपना इंजॉय कर रहे हैं, इसको वो गुस्सा करता है, वो गुस्सा करता है। पक्की ने देखी। ये गुस्सा करता है बहुत, वो अकेले बिठाएगा लेकिन साथ में नहीं बिठाएगा ना। अरे जैसा मैंने मैंने जैसा नहीं अगर तो ना नहीं जैसा तो हाँ ये बीच तो बैठ हाँ वो बैठने देता है, वो बोलता है अकेले बैठ, मेरे साथ मत बैठ, वो बैठ जाती है, ये उठेगी नहीं फिर, ये भी जिद, लास्ट टाइम भी जिद कर रही थी ना ये। पैर देख, वो तो ये
खुद दबा रही है चलो 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 आ जाओ चलो प्रेरित आप भी बैठो पीछे बैठ जाओ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सूरत में हमारा डे टू और अभी हम सब निकल रहे हैं और यहाँ पे रूही मस्ती कर रही है दादी के साथ। रूही दादी को लात मार रही है। बाकी हम सब रेडी है, अभी हम जा रहे हैं मामा के घर पे, मेरे मामा ससुर के घर पे हम सब जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ आज विधि है वो हम अटेंड करेंगे। Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. सदाई